शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भावन का। मैं फिर से आज रहा हूँ नई जानकारी से, भूत प्रेत मसानी बेताल जिन मौनी शमशान की शक्ति 5200 सुरखी नांगा गुरु लाखों सिद्धियों के मालिक हैं। इनकी भक्ति कर्म जो व्यक्ति करता है उनको मसानियाँ मसान यक्ष यक्षणियाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनके कहने पर चलती है। यहाँ की चौथे किंगरे का मालिक सबल सिंह बावरी, ठीक है ना, सबल सिंह बावरी भी इनके सनिधि में चलता है, केसर में बावरी, ठीक है। उसके पांच बाबरी तो आपको पता है कि पांचों भाई चलेंगे, पीर फकीर बली के इनके साथ में चलते हैं, इस्माइल जोगी की माया चलती है इनके साथ, गुरु गोरखनाथ महाराज की माया, 89 सिद्धों की माया, महाकाली कलकत्ते वाली भैरवनाथ की माया चलती है इनके साथ। इनकी साधना पूर्ण रूप से गुरु सनिधि में करी जाती है। साधना करने से पहले नियम समझ लेना। सर्वप्रथम निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, बाकी की सारी सर्विस पेड है, साधना के अनुसार भोग प्रसाद रहता है। अरदास आप 2550 की लगा सकते हो स्क्रीन के ऊपर आ रही है, और यही मेरा नंबर है, इस पर आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। मेरे साथ बातचीत भी जो है वो उसकी भी कंसल्टिंग भी सेम है, 2550 ही लगने तभी मेरे साथ बातचीत होगी। कोई भी साधना आप करना चाहते हो मैं आपको, आप मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, 1150 पर मंथ आपने फीस देनी है। वहाँ पर आपको धीरे धीरे ज्ञान दिया जाता है कैसे साधना सिद्धि के मार्ग में आप लोगों ने चलना है, किस प्रकार से मंत्रों का प्रयोग करना है। अथवा आप लोग जो है अगर कोई पर्सनली साधना करना चाहते हैं तो वो मेरे सनिधि में कर सकते हैं, चाहे नांगी गुरु महाराज की। ये पर्सनली साधना के अनुसार ही खर्चा होता है, जिसमें हवन भी होते हैं, यज्ञ भी होते हैं, तप भी होता है, सब कुछ होता है, संकल्प भी होता है, नित्य हवन होने हैं, इसका खर्च जो है बहुत बैठ जाता है, हजारों लाखों का खर्चा ये आप लोगों को ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप बोलो कि ये मैं मंत्र जाप करूँगा, मंत्र जाप से मात्र आपको दर्शन होने, कार्य करवाने के लिए वचन लेने अति आवश्यक है, उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। रुद्राक्ष की माला के ऊपर आपने इनका जप करना है। नांगे गुरु का जप करने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले गुरु दीक्षित होना अति आवश्यक है, आपके पास गुरु का होना जरूरी है। गुरु नहीं है तो डायरेक्टली इनकी साधना आप किसी व्यक्ति के सन्निधि में कर सकते हो जिसके पास या जिनके पास इनकी कृपा दृष्टि हो, ठीक है। रुद्राक्ष की माला चाहिए आपको, एक सिद्ध आपको आसन चाहिए, एक पगड़ी चाहिए भगवे रंग की जो अपने सर पे बांधनी है, और धूना आपको लगाना पड़ेगा, बिना धूने के ये नहीं चलेंगे, धूना आपको लगाना पड़ेगा। धूना लगा के कठोरता के साथ ब्रह्मचार्य का आपने पालना करनी है। अगर साधना के दौरान ब्रह्मचार्य आपका खंडित होता बार बार तो आप साधना में सफल नहीं हो सकते। इनकी साधना मात्र पुरुष ही कर सकता, कोई स्त्री के लिए साधना है नहीं, वो मंत्र का जप तप नहीं कर सकती है, ठीक है, मात्र ये व्यक्ति ही कर सकते हैं। इनकी साधना करने से ऐसी ऐसी सिद्धियाँ मिलेंगी कि व्यक्ति भी जो भगत भी होगा वो भी बोलते ना कि अचंभे में रह जाएगा कि इतनी शक्ति के ये मालिक है। इनकी वाणी ना आज तो कभी झूठी हुई है ना कभी झूठी होगी, अगर ये सवारी में वचन करते हैं तो 100% इनके वचन होते हैं। कोई व्यक्ति इनकी सवारी चौकी भी लेना चाहता है तो भी खर्चा लाखों में जाएगा, वो मेरे सनिधि में ही आएगा, मैं ही उसको चौकी दूंगा, इनकी सवारी जो है मेरे सनिधि में ही आकर वो ले सकता है इनकी माया जो है, अगर कोई व्यक्ति देखने का इच्छुक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने फ्री में करना तो फ्री के लिए यहाँ पे इनके वीडियो इनके मंत्र दिए गए हैं। रुद्राक्ष की माला, भगवे रंग का आसन और धोने की आपको पालना करनी पड़ेगी, कमंडल आपको रखना पड़ेगा, ये चिलम के शौकीन हैं यानी सिगरेट आपको लगानी पड़ेगी, इनके नाम के लड्डुओं का भोग और दारू का होते हैं, ये तीन चीज़ों का प्रयोग आपको नित्य करना पड़ेगा, सब जितने महीने का संकल्प उतने महीने ये लगेगी आदेश।